स्टैंडर्ड 6 मैथ्स। डियर चिल्ड्रन, हम ये वीडियो में मैथ्स का 25th प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज अबाउट एलसीएम। प्रैक्टिस सेट 25। फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल? मल्टीपल मीन्स टेबल। जो टेबल में हम गिनते हैं, अभी समझो 2 का टेबल क्या है, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, है ना? तो वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, जो 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब 2 का मल्टीपल्स हैं। सी फॉर कॉमन। कॉमन मीन्स अगर दो नंबर्स दिया है तो दोनों में क्या कॉमन है, सेम, जो सेम सेम आता है दैट इज़ कॉमन। लीस्ट मीन्स सबसे लोवेस्ट, सबसे कम। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। So whenever we are asked to find out LCM, least common multiple, we have to write the multiple. That means we have to write the table. जो number दिया उसका table आपको लिखना है, उसमें से common multiple को ढूंढना है और उसमें से सबसे least, L for least, least means lowest, smallest, वो ढूंढ कर निकालना है। That is the LCM. Okay. So first question, 9 or 15. We have to find out the LCM of 9 and 15. 9 और 15 का LCM. पहले आप multiples of 9 लिखेंगे। देखो HCF और LCM दोनों दो different things है। HCF, highest, C for common, F for factor. आप factor लिखते थे, multiple नहीं। Means जो number दिया हुआ किस किस table में आता है, दैट इज फैक्टर। मल्टीपल मीन्स जो नंबर दिया उसका सीधा टेबल ही आगे लिखो। और जब फैक्टर लिखोगे तो फैक्टर एक लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स ही होता है, वन से स्टार्ट होता है और जो नंबर दिया उसी से खत्म होता है। सपोज अगर 9 का फैक्टर दिया है तो फैक्टर में 1 चालू होएगा, 1 से चालू होकर 9 में खत्म हो जाता है। 15 का अगर आपको फैक्टर लिखना है तो वो फैक्टर भी 1 से स्टार्ट होकर 15 में खत्म हो जाता है। लेकिन मल्टीपल इस तरह नहीं, मल्टीपल अगर 9 का लिखना है तो 9 से स्टार्ट होता है और कभी खत्म नहीं होता। और इसी तरह 15 का मल्टीपल आपको लिखना है तो 15 में स्टार्ट होगा, 15 वन सा 15, और वो भी कभी खत्म नहीं होगा, जाते रहेगा। मेरी इन बातों का ध्यान देना। ओके, तो हम पहले मल्टीपल्स ऑफ 9 लिखेंगे। 9 का मल्टीपल दैट मीन्स 9 का टेबल। 9 वन सा 9, 9 टू सा 18, 9 थ्री सा 27, 9 फोर सा 36, 9 5 are 45, 9 6 are 54, 9 7 are 63, 9 8 are 72, 9 9 are 81, 9 9 are 90, और आगे देखो मैंने यहाँ पर डॉट डॉट दिया हुआ है। इसका मतलब आप और भी आगे लिख सकते हो, अगर ज़रूरत है आगे तो आपको और आगे लिखना होगा। 9 11 are 99, बराबर इस तरह आगे आगे जाते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पर डॉटेड दिया, दैट मीन्स इट गोज ऑन, ये आगे बढ़ते जाता है। और यहाँ पर देखो 9 और एक दूसरा 15 है, छोटा नंबर 9 है ना, तो हमेशा हमें छोटा नंबर का टेबल ज़्यादा लिखना पड़ेगा और बड़ा नंबर का टेबल उतना ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि उससे बड़ा नंबर के टेबल में बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, छोटे नंबर के टेबल में छोटे छोटे आते हैं, तो बड़े आने के लिए और ज़्यादा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। और 15 का मल्टीपल लिखते वक्त आप चेक कर सकते हो, ऊपर देख देख के आप लिख सकते हो कि अगर कोई सेम आया तो आप चाहे स्टॉप कर सकते हैं। तो 15 वन सा 15, 15 टू सा 30 यहाँ पर कहीं नहीं आया है तो आगे और जाना पड़ेगा, 15 थ्री सा 45 आप यहाँ पर चेक किया नहीं आया है, आया है या नहीं आया है, यस आया है, तो आप चाहे 45 पे दोनों को स्टॉप कर सकते थे, चाहे और भी लिख सकते हो। 15 फोर सा 60, 15 फाइव सा 75, एक बार कॉमन आया है तो आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं। 15 सिक्स सा 90, फिर आपने यहाँ पर डॉट डॉट दिया। ओके, और 15 का टेबल जिसको नहीं आता आप क्या करोगे, पहले 15 लिखा और उस 15 के साथ और एक 15 प्लस करो, 30 आएगा, और उसके साथ फिर से 15 प्लस करो। वैसा तो आप बहुत ही एक्सपर्ट हो टेबल्स क्रिएट करने में, जब टेबल टीचर बाय हार्ट करने के लिए देते हैं तो आप टेबल बाय हार्ट नहीं करते बल्कि आप ऐड कर करके बोलते हैं। इवन ओरल में भी आप बहुत फास्ट फास्ट बोलेंगे, 5 वन सा 5, 5 टू सा फटाफट आप 5 को ऐड कर लिया, 10 मिला, 5 टू सा 10, फिर से फटाफट और 5 को मन में ऐड कर लिया, 5 थ्री सा 15, ऐसा बोलने वाले बच्चे भी होते हैं, एडिशन में इतने एक्सपर्ट होते हैं।
और बैहट करने में बहुत ही लेज़ी फील करने वाले बच्चे ऐड कर करके टेबल को बताते हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े नंबर का टेबल आपको अगर बैहट नहीं है तो यू कैन ऐड द सेम नंबर टू द प्रीवियस नंबर एंड मेक योर ओन टेबल, टेबल बना सकते हो। तो 15 और 15 प्लस करने पे 45 और एक 15 प्लस करेंगे तो 60, इस तरह। और अभी कॉमन ढूंढते हैं, सेम सेम कहाँ पर आया, देखो इधर 45 यहाँ पर भी 45, दैट इज़ द कॉमन। कॉमन ढूंढने आपको आता है, अगर आपने HCF कर दिया है तो वहाँ पर भी आपने कॉमन ढूंढा है तो यहाँ पर भी कॉमन ढूंढना कोई बहुत ही मुश्किल बात नहीं है। 45 और कोई कॉमन है क्या आपको चेक करना होगा, यस यहाँ पर 90 है और यहाँ पर भी 90 है। अगर आप ये टेबल को और आगे बढ़ाते दोनों टेबल को तो आपको और भी बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स मिलते हैं, और यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स 45 और 90, और भी यहाँ पर भी डॉट्स डॉट डॉट्स डाले हैं। क्यों, इसका मतलब जिस तरह आप मल्टीपल को आगे बढ़ाते जाओगे उस तरह कॉमन मल्टीपल भी आपको और मिलते जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ लीस्ट कॉमन मल्टीपल से इंटरेस्ट है। तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है अभी, दैट इज़ LCM, LCM ऑफ 9 एंड 45, ये कॉमन मल्टीपल में सबसे लीस्ट सबसे छोटा, दैट इज़ 45। तो LCM ऑफ 9 एंड 45 इज इक्वल टू 45। चलो लेट्स गो टू द सेकेंड सम, 2, 3 और 5, इन तीनों का LCM चाहिए। तो 2 का मल्टीपल करना है, 3 का मल्टीपल करना है, 5 का मल्टीपल करना है। लेकिन बच्चों ये मल्टीपल करने पे हम एक जगह रुक जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पे आगे बढ़ते हैं, क्यों बिन वजह और बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टेबल लिखे। तो मल्टीपल्स ऑफ 2, जो छोटा नंबर है 2 है उसका टेबल आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 3 का और थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, 5 का सबसे कम लिखना पड़ेगा क्योंकि तब तक आ जाता है कॉमन मल्टीपल। तो 2 का टेबल 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, इस तरह 2 10 ज़ार तक मैंने लिखा, और आगे डॉट डालने से पहले कॉमा डाल के रखा है और एक लाइन भी छोड़ दिया है आगे ज़रूरत पड़ने पे हमें लिखना है, क्योंकि छोटे नंबर का टेबल ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तब जाकर हमें कॉमन मिलेगा, इसके लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो मल्टीपल ऑफ 3 उसके बाद स्टार्ट किया, 2 का मल्टीपल को ख़त्म नहीं किया, ऐसे ही रखी हूँ। 3 का टेबल भी मैंने 30 तक लिखा, 3 1 ज़ा 3 3 10 ज़ा 30 तक लिखा है और आगे ज़रूरत पड़ेंगे तो हमें लिखना है, और आगे मल्टीपल्स ऑफ 5 का मल्टीपल्स भी लिखे, 5 1 ज़ा 5। तो देखना है सबसे बड़ा नंबर का मल्टीपल लिखते लिखते आपको यहाँ चेक करना है कोई कॉमन आया है क्या, 5 1 ज़ा 5 तो कहीं नहीं है, 5 2 ज़ा 10 10 भी कहीं यहाँ पर है लेकिन इधर नहीं है, तो तीनों में आए बिना हम कॉमन नहीं बता सकते उसको। 5 3 ज़ा 15 वो यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 4 ज़ा 20 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, और तो आगे हमको लिखना पड़ेगा 5 5 ज़ा 25। ओ यहाँ पर हमने 20 तक ही लिखा है, 25 तो इधर बड़ा हो गया, तो हमें 2 का टेबल को और आगे बढ़ाना है, 3 का टेबल को भी आगे बढ़ाना है क्या, फ़िलहाल तो नहीं, तो 25 हो गया। चलो इसको और आगे बढ़ा के देखते हैं, 5 6 30, चलो इधर 30 आया है तो एक कॉमन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आगे बढ़ा के देखते हैं, 20 के आगे 2 का टेबल में 2 11 से 22 और 2 ऐड करोगे तो 24, अभी तक भी 30 पे पहुंचा नहीं, और आगे करना पड़ेगा 24 के बाद, और 2 बढ़ाएंगे तो 26, अभी भी नहीं पहुंचे, अभी भी इधर का नंबर्स छोटे हैं बाकी सब नंबर से, और 2 प्लस किया 28, और 2 प्लस किया 30 बराबर, और प्लस किया 32, यस सेम थोड़ा बहुत आ रहा है, तो यहाँ 30 है, इधर भी 30 है, इधर भी 30 है, तो यहाँ पर आपको स्टॉप करना है, या और आगे लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वी कैन स्टॉप ये बट, तो यहाँ डॉट डॉट डाल दिए, यहाँ पर भी डॉट डाल दिए, यहाँ पर भी डॉट डाल दिए, क्योंकि हमें एक कॉमन तो मिल गया है ना, बस आगे चाहे तो आप लिख कर दूसरे कॉमन भी ढूंढ सकते हो, तो 30, लेकिन और लिखते जाओगे तो बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कॉमन मल्टीपल में आप इसमें से कौन सा 30 है, 30 के अलावा कॉमन मल्टीपल नहीं है, 30 फिर कॉमा डालकर आप डॉट डॉट डाल दीजिए, इसका मतलब आपके पास और भी कॉमन मल्टीपल आएगा अगर आप टेबल्स को आगे करेंगे तो कॉमन मल्टीपल 30 और उसके आगे डॉट डॉट। अभी LCM ऑफ 2, 3 एंड 5, जो कॉमन मल्टीपल मिला सबसे छोटा, सबसे छोटा तो 30 ही है, स्टार्टिंग में आता है सबसे छोटा बराबर, तो 30
एलसीएम हो गया 2, 3 और 5 का, क्या है 30। नाउ द थर्ड सम 12 और 28। तो यहाँ पर आपको 12 का टेबल बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 28 का थोड़ा कम लिखना है, बराबर। तो 12 का टेबल ख़त्म करना नहीं है, आपको अधूरे में स्टॉप करना है, और 28 का टेबल लिखने के बाद आपको चेक करना है कि और आगे बढ़ना है या नहीं, ठीक है। जिस तरह मैं बता रही हूँ वैसा करोगे तो आपको फटाफट आंसर करने के लिए हो जाएगा। सो मल्टीपल ऑफ 12 थोड़ा लिख के रखना है, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, फिर और 12 प्लस करेंगे 72। मैंने 12 10 120 तक लिखा है फिलहाल, कोमा और डॉटेड नहीं डाला है। देखते हैं आगे 28 का टेबल में, 28 का टेबल थोड़ा बड़ा टेबल है, बड़ा नंबर है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको बायहार्ट है या मेंडल कैलकुलेशन आता है तो आप 20 प्लस करके 8 प्लस कर सकते हो, यानी कि 28 के साथ 28 प्लस करना है। 28 के साथ पहले एक 10, फिर और एक 10, तो 20 हो गया, और एक 8 प्लस कर सकते हो। दैट मीन्स 28, 10 प्लस करोगे तो 38, और 10 प्लस करोगे तो 48, और एक 8 प्लस करोगे तो 56। नहीं तो आपके पास और एक ट्रिक है, 28 के साथ 10 प्लस करो 38 होगा, और 10 प्लस करो 48 होगा, और 10 प्लस करो 58 होगा, पर आपको 10 10 10 पूरे 30 हो गया, तो लास्ट वाला सिर्फ 8 ही चाहिए था, आपने 10 प्लस कर दिया, तो एक 2 उसमें से निकाल दो तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 8 होगा। जैसे 28 प्लस करने के लिए आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ लिखकर, आपको अगर कोई भी नंबर के साथ 28 प्लस करना है तो आप क्या कर सकते हो, पहले 30 प्लस कर लो, और ये 30 प्लस करने के लिए भी आसान कैसा है, पहले 10 फिर 10 फिर 10, ऐसा 3 बार 10 प्लस करोगे तो 30 हो जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ 28 ही चाहिए था। 28 और 30 में कितना फ़र्क है, 28 दो छोटा है, 30 से 2 नंबर्स छोटा है 28, तो आप 30 प्लस करके वो छोटा जो 2 को माइनस कर दो ना, जैसे 28 के साथ 30 प्लस करना है, 28 और 10 प्लस करेंगे तो 38, और 10 प्लस करेंगे तो 48, और 10 प्लस करेंगे तो 58, तो 58 पहुंचा, बराबर। ये सब मन में करना है, 28 फिर एक प्लस 10 प्लस किया 38, और एक 10 प्लस किया 48, और एक 10 प्लस कर दिया 58, तो आपने पूरे 30 प्लस कर दिए, लेकिन आपको सिर्फ कितना ही चाहिए था 28, तो 30 में से 2 माइनस करो तो 28 हो जाता है, तो जो मिला उससे 2 माइनस करो, यानी 58 में से 2 माइनस करो तो क्या होगा 56। तो आपने यहाँ पर 10 प्लस किया, यहाँ पर 10 प्लस किया, यहाँ पर आपने रियलिटी में क्या प्लस किया, सिर्फ 28 प्लस किया है। कैसा 28 प्लस किया, 30 प्लस करके 2 माइनस कर दिए, 30 प्लस करके 2 माइनस कर दिए, तो रियल में कितना हो गया 28 ही तो आपने प्लस किया, समझ रहे हो। तो इस तरह 28 28 आगे आगे प्लस करके ये टेबल लिख सकते हो। देखो 56 में 30 प्लस करके माइनस 2 करने जा रहा, तो 28 आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 56, 10 प्लस किया 66, अगेन 76, अगेन 86, 86 में से 2 माइनस किया 84, अगेन 84 के साथ 30 प्लस करो 94, 104, 114, 114 में से 2 माइनस किया 112, तो मैंने इनडायरेक्टली 28 प्लस किया। और आगे 28 प्लस करने के लिए 30 और 30 में से 2 निकालो, तो 112 30 प्लस करने जा रहे हैं, 112, 122, 132, 142, 42 में से एक 2 माइनस किया 140। तो इस तरह मैंने यहाँ तक लिखी हूँ, और ये जो मेरे पास ये जो 12 का टेबल है सिर्फ 120 तक ही है, और मेरा 28 का टेबल 120 सब क्रॉस करके आगे चला गया, अभी तक मुझे कोई कॉमन नहीं मिला, आप चेक कर सकते हो, कॉमन कुछ नहीं मिला। तो आप 28 का टेबल को बढ़ाने के बदले 12 का टेबल बढ़ाओ ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर छोटे हैं, इधर बहुत आगे गया हुआ है, तो इधर शायद आगे जाएंगे तो इससे कॉमन मिल जाएगा। तो 120 के बाद और 12 ऐड करते जाओ, 120 के साथ 12 ऐड करने के लिए 10 और 2 ऐड करो, 120 प्लस 10 130 और 2 132, 142, 144, 12 ऐड किया, और 12 ऐड करने के लिए 144 के साथ 10 154 और 2 156, और चेक कर लेना सेम आया है क्या, नहीं आया अभी तक कोई, और यहाँ का नंबर अभी भी बड़ा है इससे, तो और आगे जाते हैं 156 के साथ 10 166 और 2 ऐड करो 168, आप चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पर 166 है 68 है, तो आगे लिखने की इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक नंबर तो कॉमन मिल गया है ना, तो हमारा कॉमन हो गया पहला कॉमन 168, इससे पहले कोई कॉमन आया नहीं।
अगर आप आगे इसे लिखोगे तो आपको और भी कॉमन नंबर्स मिलते जाएगा, कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएगा। तो मेरा कॉमन मल्टीपल में मैंने क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगी 168 डॉट 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 और आगे जा सकते हैं। एलसीएम ऑफ 12 एंड 28 कॉमन मल्टीपल में सबसे लीस्ट, दैट इज 168। अभी तो आपको आइडिया मिल गया होगा, सो वी कैन गो लिटिल फास्ट, बराबर थोड़ा स्पीड में जा सकते हो। 15 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, मल्टीपल ऑफ 15। अगर आपको बाय हार्ट है तो आप लिखना डायरेक्ट, नहीं तो फिर ऐड करके लिखो, 15 ऐड करो। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 तक मैंने लिखा। दूसरा नंबर मेरा थोड़ा बड़ा है तो वो नंबर का टेबल लिखने के बाद इसको आगे बढ़ाएंगे ज़रूरत पड़ेगा। तो 20 का टेबल लिखा, 20, 40, 60, 80, अभी तक भी कोई कॉमन नहीं आया है क्या? कॉमन आया आप चेक करो, याद लिखें 60 दोनों में कॉमन है तो आपका और आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बहुत कम लिखा हमने इधर, तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट आएगा 100 और उसके बाद आएगा 120, काफ़ी है। ओके, डॉट डॉट डाल दिया, यहाँ पर भी डॉट डॉट डाल दिए। और कॉमन मल्टीपल 15 इधर है, 30 है, डायरेक्ट कौन सा है 60, तो मैंने 60 लिखा। और कॉमन मल्टीपल यहाँ अभी तक तो आया नहीं, अगर आप आगे लिखते थे दोनों का टेबल आगे लिखते तो ज़रूर आपको और कॉमन मल्टीपल मिलेगा। फिलहाल एक मिला तो बस डॉट डॉट डाल दीजिए कॉमन मल्टीपल में 60 और डॉट डॉट यानी आगे और जाएगा। एलसीएम 15 और 20 का ये कॉमन मल्टीपल में सबसे लीस्ट यानी सबसे फर्स्ट, एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 इज 60। नाउ द लास्ट सम ऑफ दिस सेक्शन, 8 और 11 का एलसीएम। इसमें पहले आप तय करेंगे कौन सा टेबल कम लिखेंगे, कौन सा टेबल ज़्यादा। 8 छोटा नंबर है उसका टेबल ज़्यादा लॉन्ग तक लिखना पड़ेगा और 11 का टेबल ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी 8 का टेबल लिखे रखा है, आगे ज़रूरत पड़ेंगे तो लिखेंगे, अभी 11 का टेबल भी। तो 8 का टेबल आप आसानी से जानते हो, मैंने 80 तक लिखा। मल्टीपल्स ऑफ 11, 11 2s, 11 1s, 11 2s, 11 3s और 11 4s 44 तक अभी तक हमें कोई भी सेम नहीं मिला। तो आगे कौन सा टेबल इधर 80 तक है, बड़े नंबर है, यहाँ पे सिर्फ हमने 44 तक ही किया है, तो कौन सा चीज़ को आगे बढ़ाएंगे जो कम है, मतलब ये 44 आगे 11 5s 55, चेक करो आया है क्या, नहीं। अभी भी इधर बड़े बड़े नंबर पड़े हुए तो इसको और बड़ा करना पड़ेगा। 11 6s 66 नहीं आया है, 11 7s 77 नहीं आया, बराबर और भी आगे है बड़े नंबर है, 11 8s 88 और यहाँ पर उतना नहीं है, तो इसका आगे बढ़ाना पड़ेगा। 8 10s 88 11s 88 आगे बढ़ गया, देखो दोनों सेम सेम आया है, चाहे तो आप और एक बढ़ा सकते हो 88 के साथ और 8 प्लस करके 96 तक आ सकते हो चाहे, और यहाँ पर 88 18 11 9s 99, पर हमें कॉमन क्या मिलने वाला है, सिर्फ 88 मिलने वाला है और उसके आगे अगर करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो कॉमन मल्टीपल यहाँ पर ओनली 88 और आगे है, बट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सटेंड द टेबल। तो हमें कॉमन मल्टीपल मिला 88 और टेबल को एक्सटेंड करते तो आगे हमको मिलेगा, दैट इज़ वाई डॉट डॉट और एलसीएम, दैट मीन्स लीस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल किसका, 8 और 11 का, दैट इज 88। सो ये जो सेक्शन है फाइंड द मल्टी एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, वो सेक्शन में 5 सम्स थे। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सम्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।